अभी देखो आप ये देखो ठीक है इसके अंदर जो है है हेलो उसके कैसे हो आप सब लोग सो इस आज आए हम स्कोडा स्लाविया को शूट करने वो भी मुंबई में तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले भाई व्यू काफ़ी गजब का आ रहा है और आज जो इसका एक डिटेल्ड वॉक राउंड रिव्यू करने वाले हैं ड्राइव वगैरह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं तो आज जो इसका एक फुल डिटेल्ड वॉक राउंड करने वाले हैं जिसके अंदर एक एक इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे उसके अलावा जो है इसमें इंजन ऑप्शन क्या मिलते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ अच्छे से दिखाने वाला हूँ सो वीडियो को जो है इस एंड तक देखना और बाकी वीडियो को जो लाइक कर देना लाइक एम रखता हूँ थाउजेंड लाइक्स का एंड सबसे पहले आप एक कलर चेक करो जो कि काफी स्पेशल कलर है तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी की से सबसे पहले की चेक करो यहाँ पे आपको लोक अनलॉक एंड जो है ये बूट ओपनर का बटन मिल जाता है सिंपल फ्लिप की आपको इसके अंदर मिलती है ये जो है टॉप ऑफ द वेरिएंट है तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से ही तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर मिल जाता है अपना हाई बीम लो बीम दोनों इसी के अंदर है ये जो है आपको यहाँ पे डी मिल जाती है एल में तो ये भी काफ़ी शानदार है और इसका नाइट में कैसा विजन है वो तो जो है जब गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए आएगी तो हम यूज करेंगे अच्छे से तो पता चलेगा तो फिलहाल जो है यदि मैं देखूँ इसको तो ठीक ठाक मेरे को लग रहा है मतलब जो इसकी क्लैरिटी है वो मेरे को काफ़ी सही लग रही फिलहाल तो बाकी जो इंडिकेटर्स यहाँ पे हेलोजन में यूज़ किए गए हैं और नीचे जो फोक लैम्प्स है वो भी जो है हेलोजन में दिए गए हैं यहाँ पे जो है सिल्वर कलर या फिर जो है क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है जो कि आप देख सकते हो उसके अलावा जो फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसेस वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलते जो नीचे पूरा डिज़ाइन दिया गया ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इसमें सेंटर में हूँ तो यहाँ पे स्कोडा का आपको लोगो मिल जाता है और फ्रंट में जो है कुछ वैसे ही ग्रिल है जैसे अपने को कुशाक वगैरह हम देखने को मिलती है सिग्नेचर टाइप ग्रिल तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे जो है नंबर प्लेट की प्लेसिंग की जो है जगह दी गई है रेडिट ग्रिल जो आप हाँ चेक कर सकते हैं पूरी काफ़ी गजब की लग रही है फ्रंट फ्रंट जो इसका काफ़ी सही है मतलब फ्रंट से लुक्स में जो है कोई भी कमी नहीं छोड़ी यदि इसकी प्राइस आ गई दस से मतलब जो स्टार्ट हो गई तो तो फिर मेरे को लगता है भाई ना वरना टिकने वाली है इसके सामने और ना अपनी होंडा सिटी तो यहाँ पे जो है इस साइड भी आप चेक कर सकते हो तो कुछ ऐसा पूरा जो है अपना हेडलैम्प सेटअप है पूरा अच्छा बढ़िया जो है दिया गया यहाँ पे एल में तो अभी जो है एक बार आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ फ्रंट से इसका तो कुछ ऐसी लगती है अपनी गाड़ी फ्रंट से अभी जो है साइड बाई साइड चेक कर लेते हैं कि साइड में क्या फीचर मिलते हैं तो यहाँ पे आप चेक करो सबसे पहले लॉय व्हील्स जो है ड्यूअल टोन में आपको देखने मिल जाते हैं डायमंड कट डिज़ाइन जो है कुछ ऐसा दिया गया है ए, कुछ कुछ जो आपको वही कलर देखने को मिलेगा जैसे अपने सियाज वगैरह में आते हैं नए मॉडल में लो इस कुछ वैसे ही एंड यहाँ पे आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा जो अपना टायर है वो सीएट का है सिक्योरा ड्राइव जो है मॉडल यहाँ पे दिया गया है टू जीरो फाइव मतलब टू जीरो फाइव सेक्शन का टायर है ये और फिफ्टी फाइव इसके प्रोफाइल रखी गई है सिक्सटी जो है टायर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रंट में जो है काफी बड़ा डिस्क ब्रेक है यदि मैं इसकी कंप्यूटर्स में देखूँ तो वहाँ पे जो इतना बड़ा डिस्क ब्रेक हमें मिलता नहीं है लेकिन इसमें जो है काफ़ी सही साइज का जो है डिस्क रखा गया है जिसकी वजह से आपको हाईवे वगैरह पे या फिर जो है जब भी आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हो ज़्यादातर जो है हम हाई स्पीड पर चलते हैं हाईवे पर ही तो वहाँ पर जो है काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है और बाक़ी यहाँ पर जो है कौड़ा गया आपको पूरी स्टीडियम बेजिंग मिल जाती है क्रोम का यूज़ किया गया है इंडिकेटर्स की बात करूँ तो फेंडर वगैरह पे आप आपको नहीं देखने मिलेंगे ये जो ओ आर में देखने मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे जो है टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में जो है यहाँ पे आपको ओ आर के अंदर ही जो है एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से देखते हैं बेस मॉडल में कहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे या फिर एक्चुअल तीन ही मॉडल्स आपको देखने मिलेंगे तो सब में जो है आपको यहीं पे देखने मिलने वाले हैं और जो ए पिलर है वो जो अपना बॉडी कलर में रखा गया है बॉडी पेंट में बी पिलर जो है आपको ब्लैक कलर में देखने मिलेगा और ये जो है यहाँ पे जो है क्रोम का यूज़ किया गया है यहाँ से लेकर और पूरी जो है पट्टी आती है आगे तक तो ये भी काफ़ी सही प्रीमियम फील दे आपको हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको क्रोम का यूज़ देखने मिलेगा किलेस एंट्री आपको मिल जाती है तो ये भी काफ़ी सही फीचर दिया गया है पीछे की साइड चलूँ तो पीछे आपको कोई किलेस एंट्री नहीं मिलेगी ठीक है यहाँ पर आपको जो है फ्यूलिड मिल जाती है नीचे की साइड में आऊँ तो पीछे की साइड में हमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलता बट व्हील्स जो है देखने मिल जाते हैं सेम वैसे ही मतलब टायर साइज वगैरह सब कुछ सेम रखा गया है लेकिन पीछे फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा बाकी सब कुछ सेम है अभी पीछे की साइड आऊँ तो यहाँ पे आपको एलईडी में जो है पूरे इसके टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे जो हैलोजन में आपको इसके इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट भी जो है एलोजन में आपको देखने को मिल जाती है तो ये भी काफी सही लग रही है टेल लैंप्स का जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छा है मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ पे भाई देखने में गाड़ी काफी अच्छी लग रही है सीरियसली जब आप इसको देखोगे ना और आपका मन है भाई वरना वगैरह लेने का होंडा सिटी लेने का तो आप भी वहाँ पे पिंगल जाने वाले हो बिकॉज भाई ये जो है कुछ ऐसी ही गाड़ी है तो यहाँ पे जो है आपको पूरा स्कोड़ा का जो है लोगो वगैरह फिर थ्री डी बैजिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जो है जगह दी गई तीन पार्किंग सेंसर्स है एक एक एंड जो है एक ही है। तीन पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। स्लाविया की पे उसके अलावा पूरी क्रोम की पट्टी आपको देखने मिलेगी तो ये सब चीजें जो है न, काफी बनाते हैं इस गाड़ी को शार्फिन आपको पीछे की साइड मिल जाएगा वाइपर जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन डिफोगर जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे जो है आपको रेयर अमाउंट जो है लैंप मिल जाएगा अभी चल लेते गाड़ी के अंदर अंदर जाने से पहले सनरूफ भी देख सकते हो तो ये भी जो है काफी सही चीज दे रही है अभी अंदर जाके आएगी भाई अंदर मेन क्या फीचर है मतलब उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स वगैरह जो है यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ तो गाड़ी जो मैंने स्टार्ट की हल्की सी साउंड आपको फील होगी अभी मैंने इंजन को ऑफ कर दिया कुछ देर के लिए बिकॉज ये आवाज़ आ रही थी इसके अंदर से तो अभी आप पूरा डोर चेक करो यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है पूरा ये पियानो फिनिश यहाँ पे जो है क्रोम में आपको डोर ओपनर्स देखने मिल जाते हैं अपनी चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे ओर वी एम के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जिनको कि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे काम करते हैं और कैसे नहीं और बाकी जो है डुबल टोन में आपको जो इसका पूरा जो है देखने को मिलेगा डोर वगैरह यहाँ पे वन लीटर या फिर जो है वन पॉइंट फाइव लीटर का जो आपको स्पेस मिल जाता है जो कि काफी सही दिया गया है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी सीटिंग वगैरह दिखा देता हूँ आपको तो यहाँ पे जो आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर दिया गया है उसके अलावा जो है बिल्कुल पीछे की तरफ जाके जो है ये आपको बैकरेस्ट का फीचर मिलता है जो कि काफ़ी पीछे दिया गया है मतलब थोड़ा सा यहाँ तक भी होता है ना ये तो काफी सही था बट थोड़ा सा पीछे दिया गया तो इसको थोड़ा सा आगे किया जा सकता था बाकी चलिए एक बार इंटीरियर में नज़र मार लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका पूरा इंटीरियर जो कि आपके सामने अभी तो भाई देखो यदि मैं फर्स्ट फील बताऊं ना अपनी जब मैंने ये देखी थी अंदर से बाहर से तो लगी रही है काफ़ी अच्छी लेकिन अंदर से भी जो है काफी लग्जरी फील देगी आपको यहाँ पे जो है एम्बियट लाइटिंग वगैरह आपको मिलती है और अभी जो है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे जो है आपको पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे जो है आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है तभी जो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली ठीक है और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज्यादा है यार मुंबई में दिल्ली से आए थे वहाँ पे सर्दी थी और यहाँ पे एकदम से वेदर चेंज तो ये देखो अब कुछ ऐसी लगती है आपकी गाड़ी जब पूरा सिस्टम इसका ऑन हो जाता है इन्फोटेनमेंट सिस्टम से लेके जो है पूरा अपना कंसोल वगैरह सब कुछ ऑन होन होने के बाद गाड़ी काफी प्रीमियम लगेगी आपको और ऐसा लगेगा जैसे तो 20 से 25 लाख की गाड़ी में हम बैठे हैं और यही नहीं गए इसके अंदर जो है आपको काफी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिलता है तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग से ही यहाँ पे जो स्टेयरिंग आपको काफी अच्छे लुक्स में देखने मिलेगा जैसे कुशाक वगैरह हम देखने को मिलता है तो बिल्कुल वैसे ही स्टेयरिंग यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है बीच में जो आपको एयरबैग प्लस हॉर्न देखने को मिल जाता है हॉर्न की साउंड सुन लेते हैं एक बार तो यहाँ पे ड्यूल हॉर्न है कोई दिक्कत नहीं है सिंगल हॉर् ने यहाँ पे नहीं दिया गया सिंगल होर में क्या होता है सिंगल होर में तो भाई बिल्कुल ही मतलब इन गाड़ियों पर शूट नहीं करता तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि भाई इसमें ड्यूअल हॉर्न कम से कम कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है उसके अलावा जो है यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे ये जो है इसका जो है वॉइस कमांड जो है सिस्टम आपको मिल जाएगा इसके अंदर जो है आप चेंज कर सकते हो म्यूजिक वगैरह और यहीं से जो है आप म्यूट कर सकते हो यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो तो कुछ ऐसे जो है काम करता है यहाँ जो अपने पूरे इसके कंट्रोल आ जाते हैं एम वगैरह के ठीक है तो जैसे मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये जो है आप स्पीडोमीटर का पूरा लुक देख सकते हो 260 तक की इसके अंदर मार्किंग दी है तो काफ़ी सही है इसका कंसोल तो यार 260 तक की मार्किंग मतलब ये आराम से 230, 220 तक जाएगी तो भाई देखो गाड़ी फास्ट होने वाली है इतना तो पता चल गया है बाकी जो और सेटिंग्स से देखते हैं इसकी तो ये जो है अपना थोड़ा डिजिटल में आ गया था और ये जो है स्पीडोमीटर यहाँ पे आरपीएम मीटर शो कर दिया है और ये जो है अनलॉक में पूरा आ गया है तो तीन तरह के जो है पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नीचे जो है यहाँ पे ओडोमीटर वगैरह ठीक है यहाँ पे जो आपको फ्यूल की रेंज वगैरह दिखाएगा तो वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे इस साइड में जो है टेम्परेचर मीटर आपको मिल जाता है और इस साइड में आपको जो है ये शो करता है टेम्परेचर वगैरह इस साइड में फ्यूल वगैरह शो कर देगा तो कुछ इस तरीके से जो आपको पूरा इसका कंसोल मिलता है ऊपर जो है टाइमिंग वगैरह यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर वगैरह शो करता है बाकी और यदि मैं इसके बात करूँ फीचर्स की तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाता है और बाकी ये सारे आपको जो है एफ वगैरह इसके अंदर शो करेगा और एवरेज स्पीड वगैरह माइलेज वगैरह वो सब कुछ जो है यहाँ पे शो करने वाला है उसी के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं लाइक यहाँ पे जो है हाँ आपको बटन मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का ठीक है तो ये जो है हाँ आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देगा इसको ऑफ करके रखते हो तो अभी जो है मैंने ऑफ कर दिया मतलब डीएक्टिवेट कर दिया यदि आप इसको ऑन रखते हो ना तो क्या है कि अपनी गाड़ी जब ट्रैफिक में रुकती है तो वहां पे क्या है कुछ सेकंड बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पे पैर रखोगे ब्रेक वगैरह पे तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी तो काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं तो अभी जो है आपको दिखा देता हूँ मैं इसका पूरा इन्फोटेनमेंट सिस्टम कि इसके अंदर क्या मिलता है सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पे जो है आपको सारे बटन वगैरह मिल जाएंगे ठीक है एंड यहाँ पे आपको जो है बेसिक फीचर तो मिलते हैं लाइक कॉलिंग वगैरह एंड यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले वगैरह एंड्रॉयड ऑटो वगैरह ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं एंड ये जो है कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को कि वायरलेस है या फिर नहीं है तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि वायरलेस है या फिर नहीं है और बाकी जो है इस यहाँ पे नेविगेशन वगैरह इस गाड़ी के अंदर भी दिया गया है यहाँ पे जो है आप पूरी एवरेज वगैरह देख सकते हो टाइम वगैरह देख सकते हो एवरेज स्पीड यहाँ पे आपको मिल जाएगी ठीक है ट्रिप वगैरह यहाँ पे आप देख पाओगे व्हीकल स्टेटस नोटिफिकेशन वगैरह सब यहाँ पे शो कर देगा ऐप वगैरह जो भी आपके इसमें होगी वो जो है यहाँ पे शो कर देगा गाना वगैरह आप इसके अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हो जो कि इनके प्ले ऐप से स्कोडा प्ले ऐप से जो है कर पाओगे डाउनलोड बाकी जो है अभी होम पे चलते हैं और दिखाता हूँ कुछ इनकी जो है इंटरेस्टिंग फीचर्स दिखाता हूँ

यहाँ से सेट कर सकते हो जिस भी जो है लेवल पे आप रखना चाहो इसको तो वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे ये जो है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक मिलती है और डोर्स वगैरह में भी आई थिंक ये देखने को मिलती है हमें या फिर शायद नहीं तो वो तो नाइट में पता चलेगा बाकी फिलहाल जो है यही दिख रही है अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक तो काफी सही लग रही है नाइट में जो है पता चलेगा असली अभी जो है धीरे धीरे शाम हो रही है तो क्या अब तक मैं आपको दिखा दूँ और बाकी जो है सारे अपने वही बेसिक फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे मीडिया वगैरह के ठीक है यहाँ पे सारी ऐप्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह तो ये हो गया इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम उसके अलावा जो है कुछ और आपको फीचर्स मिलते हैं जो कि शायद अट्रैक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी की तरफ तो यहाँ पे जो है आपको दोनों साइड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है इस साइड वाली भी और अपनी इस साइड वाली भी तो दोनों जो है आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी को पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड दोनों सीट्स आपको जो है वेंटिलेटेड मिल जाती है उसी के साथ में जो एसी वेंट्स है ना वो काफ़ी गजब के दिए हैं और जो ये गोल्डन लाइन जा रही है ये भी काफी जबरदस्त लगी है इसके अंदर यहाँ पे पियानो फिनिश जो है दी गई है उसके अलावा नीचे जो है अपना ये बेस कलर हो गया यहाँ पे जो है ब्लैक कलर में पूरा तो काफी सही लग रहा है मतलब ये हेडलाइट वगैरह के सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं ऑटो पे डाल सकते हो ऑटो फीचर आपके ऊपर मिल जाते हैं बाकी जो यहाँ पे बीम वगैरह सेट आप कर पाओगे तो ये सारे फीचर्स सा आपको मिल जाएंगे इधर जो अपनी हेडलाइट वगैरह के हाई बीम वगैरह तो यहाँ पे जो है कुछ अभी पता नहीं चलेगा ये चेक कर सकते हो इधर जो है पूरे वाइपर के अपने कंट्रोल्स है ये देखो तो कुछ इस तरीके से जो इसके उल्टे कंट्रोल है मतलब इस साइड जैसे नॉर्मल आप गाड़ियाँ चलाते हो उनमें क्या है कि हेडलाइट वगैरह के जो है इस साइड दिए जाते हैं तो इसमें जो है उल्टा कर रखा है सिस्टम थोड़ा होना भी चाहिए यूनिक बिकॉज भाई इतनी प्रीमियम गाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो यूनिक देंगे वरना फिर लोग बोलेंगे यार कि कुछ खास नहीं है वही सब कुछ ऐसे नॉर्मल गाड़ियों में तो एक नॉर्मल गाड़ी से हट के कुछ बनाया गया है यहाँ पे यहाँ पे जो है जाड का बटन आपको मिल जाएगा ये एसी इवेंट्स है ना ये भी काफी नॉर्मल से रखे गए हैं ठीक है प्रीमियम लग रहे हैं अभी मतलब जो है काफ़ी सही यहाँ पे जो है क्रोम की पट्टी सी आपको मिलती है नीचे जो है ऑटोमेटिक अपना पूरा एसी मिल जाता है यहाँ से आप सेट कर सकते हो टेम्परेचर ये जो है टच में यहाँ पे मिलता है आपको ठीक है तो इसको आप सेट कर सकते हो फैन की स्पीड यहाँ से सेट कर सकते हो फुल करके कर देखते हैं तो ये जो इसकी फुल स्पीड अभी मतलब ठीक है हवा आवाज़ कम कर रही है हवा ज़्यादा दे रही है तो अपने को यही चाहिए और सही लगी मेरे को तो इंटीरियर जो है मेरे को काफ़ी सही लगा गाड़ी का अभी मेन मेन फीचर्स के बारे में बात करूं तो भाई मेन फीचर में एक आती है अपनी सनरूफ ठीक है तो ये देखो पूरी इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आपको मिलती है इसके अंदर तो ये भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जो कि यहाँ से कंट्रोल की जाती है आगे की साइड यदि आप करते हो तो ये ओपन हो जाएगी पीछे की साइड यदि मैं दबा के रखता हूँ कुछ सेकंड तो ये जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और उसके बाद आपको ये जो है मैनुअली करना पड़ेगा सेट मतलब क्लोज ओपन करोगे तो शायद आपको ये खोलना ना पड़े बिकॉज यहाँ से जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे ये जो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी तो सनरूफ जो है अच्छा खासा साइज जो है है सनरूफ का भी तो कर दिए अपन ने सनरूफ अभी बंद अभी लाइट्स वगैरह देख लेते हैं कि लाइट्स का क्या सिस्टम है तो लाइट्स जो है यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे कंट्रोल्स जो है लाइट के दिए गए हैं तो एलईडी में जो अपने को लाइट मिल जाती है काफी छोटी छोटी लाइट्स है बट लाइटिंग देखो काफी अच्छी करी है देखो मतलब परछाई देख रहे हो तो आपको लगेगी काफी छोटी बट ब्राइटनेस इसकी जो है ठीक ठाक दी गई है यहाँ पे उसके अलावा जो है इस यहाँ पे आपको न, सेटिंग मिल जाती है कि जब आप डोर्स वगैरह ओपन करोगे तो आपकी लाइट्स ऑन होगी या नहीं होगी तो यहाँ पे आप डाल सकते हो ऑफ़ करोगे तो ये जो है जैसे मैं डोर ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो ऑन नहीं होगी ठीक है अभी मैंने डोर बंद कर दिया और यदि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब ओपन करता हूँ तो अभी जो है लाइट ऑफ मतलब जो है ऑन हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है वेंटी मिरर यहाँ पे नहीं मिलता और उस साइड तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आईआरपीएम अपना मिल जाता है एंड ये देख सकते हो डिज़ाइन वगैरह पीछे की साइड में भी जो लाइट वगैरह मिलती है तो पीछे जाके देखेंगे और वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी तो यहाँ से आप जो है लॉक कर सकते हो अपने डोर्स को यहाँ जो है अपना ऑटो स्टार्ट जो है सिस्टम है वो वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती है अपने पास उसके लिए जो है गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी देखने को मिल जाता है एंड बाकी जो है इंटीरियर में कोई कमी अब की बार स्कोड़ा ने नहीं छोड़ी जैसे इनकी कुशाक थी तो अब जो है इनकी मिड साइज सीडान भी जो है काफ़ी अच्छे फीचर्स काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है प्राइस जो है मैं गेस कर रहा हूँ वाइस जिसकी लगभग 10 से 12 लाख से भी स्टार्ट होती है ग्यारह लाख से भी स्टार्ट होती है ना तो भाई मैं इसके लिए जरूर जाऊंगा बाकी आप बताना कि आपको कैसी लगी यहाँ पे जो है आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिल जाता है

देखने में जो है अभी भी काफ़ी लग्जरी फील होगी आपको कोई कमी गाड़ी में नहीं लगती तो अभी जो है मैं नीचे की साइड दिखा दूँ ये जो है आपको इसी कंट्रोल मिलेंगे टाइप सी आप जो है टाइप सी केबल यहाँ पे लगा सकते हो जो अपनी एप्पल वगैरह में आती है तो वो सीट का लेदर काफी अच्छा है काफ़ी अच्छी जो है फिनिशिंग भी दी गई है तो सीट्स भी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी की तो मैंने आपको दिखाई दी है अभी चल लेते हैं इसके पीछे की साइड में और देखते हैं क्या स्पेस हमें मिलता है पीछे यहाँ पे पी जो है आपको बता दू सिक्स एयरबैग्स आपको मिलते हैं तो एन कैप रेटिंग भी जो इसकी काफी अच्छी आने वाली है तो चलिए पीछे की साइड में चल लेते हैं उससे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ वरना ये साउंड हमें परेशान करती रहेगी चलो अभी चल लेते गए इसके रियर में और रियर में देखते हैं कि भाई क्या इसमें वरना से ज्यादा स्पेस मिलता है होंडा सिटी की तो कंपेयर में करूंगा नहीं लेकिन भाई वरना से ज्यादा जरूर हमें स्पेस मिल रहा है ये देखो मतलब यहाँ पे यदि आप बैठे हो ना तो आपके पैर टच नहीं होंगे जैसे वरना में होता है ना कि आप गाड़ी आपको हर जगह से पसंद आ जाएगी लेकिन मेन जो है ये चीज आके आपको परेशान करेगी कि पीछे की साइड में स्पेस नहीं है तो यहाँ पे जो आपको स्पेस की कोई कमी लगेगी नहीं एयर वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी के नीचे जो आपको टाइप सी दो चार्जर्स मिल जाते हैं ठीक है मतलब स्पेस जो है मैं जिसका मेरे को डाउट था जो मैं चेक करना चाह रहा था एंड यहाँ पे जो है कैबिन लाइट आपको मिल जाती है पीछे की साइड में दो दो तो ये भी काफी सही चीज है अभी जो इसकी सेटिंग कर है डोर पे तो ये जो अभी ओपन है और पीछे से जो है गाड़ी देखने में कुछ ऐसी लगती है तो मेरे को तो काफी सही लगी बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई आपको कैसी लग रही है और सामने ये देखो विलन लुक पूरा तो इस चीज पे जो है भाई फिदा हो गया मैं तो क्योंकि इसका बाहर से भी लुक्स काफी अच्छा है अंदर से तो है ही प्रीमियम एक बंदे को जो चीज चाहिए ना भाई वो पूरी जो है अपने को मिल रही है यहाँ पे सारी चीजें और इन सब के अलावा कंफर्ट यदि बात करूं तो कंफर्ट काफी अच्छा है पीछे जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे जो काफी अच्छी कुशनिंग वगैरह दी है बीच में जो है यहाँ पे आपको ये मिल जाता है अपना हैंडरेस्ट वगैरह दो का फोल्डर इसके अंदर मिल जाएंगे और एयर बैग जो है आपको मिल जाते हैं पिलर्स में जैसा कि आप देख सकते हो तो टोटल सिक्स एयर बैग आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं और यहाँ पे डोर आप चेक करो अभी मेन जो चीज है ना वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा है इस सेगमेंट में जो मेरे को नहीं लगता है किसी और गाड़ी में इतना होगा तो ये देखो मतलब इस गाड़ी में यदि आप लेते हो तो आपको इस चीज का डर नहीं रहेगा भाई गाड़ी भिड़ जाएगी या कहीं से टच हो जाएगी कुछ भी तो वो टेंशन आपको यहां पे लेने की जरूरत है नहीं अभी मेन आता है बूट स्पेस सब कुछ तो दिखा दिया हमने बूट स्पेस क्या है तो यहां पे आपको एक बटन मिल जाता है रिक्वेस्टिंग सेंसर और जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहां पे आप चेक करो 521 लीटर 521 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है जिसके अंदर ये मैं एक बंदे को भी बिठाऊं तो आई थिंक फिर भी काफी ज्यादा स्पेस बच जाएगा तो चलिए करके अभी जो है चेक कर लेते हैं इसका पीछे का बूट स्पेस, मतलब बूट स्पेस स्पेस मतलब कैसा है कैसा नहीं है वैसे मैं बताऊंगा तो भाई आपको आइडिया नहीं लगेगा कितना है कितना नहीं है तो छोटी सी मैं यहाँ पे जो है आपको हरकत करके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है तो अभी देखो आप ये देखो ठीक है तो ले तो जा सकते हो आप यदि में मेंबर है तो।, तो ये है भाई इसका जो बूट स्पेस है ना वो काफी अच्छा दिया गया है काफी जबरदस्त बूट स्पेस है तो अभी इसको करते बंद और पीछे जो कोई भी लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई तो ये था अपना इसका बूट स्पेस वगैरह अभी जो है मेन बात करते हैं इंजन वगैरह के बारे में सभी जो मैं इंजन ओपन कर लेता हूँ इसका बोनट मतलब और यहाँ पे जो है आपको फ्यूल लिड कहाँ मिलती है वो मैं देख के बता देता हूँ बिकॉज मेरे को भी अभी तक नहीं मिली कि फ्यूल लिड इसमें दे कहाँ रखी है सो so, इस यहाँ पे जो फ्यूल लिड का बटन आप ढूंढोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि इसमें जो अपना ये सिस्टम दे रखा है कि बाहर से ही आप इसको ओपन कर सकते हो जब गाड़ी ऑन होगी तो ये जो ओपन हो जाएगा और बाकी जो है यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने का बटन मिल जाता है एंड ओ के कंट्रोल आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको ओ के कंट्रोल मिल जाते हैं ठीक है थीके? अभी ये फोल्ड करने है तो कुछ नहीं करना इसको जो आपको यहाँ से ऐसे घुमाना है ये जो है फोल्ड हो जाएंगे और जैसे इसको आप राइट में दोबारा से रोट रोटेट करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे काफ़ी सिंपल है अभी इंजन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं हमें वही है कुशाक वाली तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो भाई बोनट हैवी है यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह कुछ नहीं दे रखा क्योंकि भाई गाड़ी वैसे ही साइलेंट है और इंजन जो है ज्यादा नॉइस यहाँ पे नहीं करता है उसी वजह से यहाँ पे इन्होंने इंसुलेशन वगैरह जो है कुछ भी नहीं दिया गया फोम वगैरह कुछ भी तो ये है इसका इंजन 1.5 लीटर है जो कि टॉप ऑफ द वेरिएंट है देख सकते हो पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें एक वन लीटर टी इंजन मिलता है और एक वन लीटर वन लीटर जो है लगभग वन फिफ्टी के करीब पावर देता है और जो वन लीटर का है वो एटी फाइव के करीब पावर देता है तो पावर वगैरह आपको काफी अच्छी मिलेगी इसकी ड्राइव जो है काफी जल्दी करने वाले हैं यहाँ से जो अपना वाइपर का पानी डाल सकते हो और यहाँ पे बैटरी दी गई है काफी अच्छी केसिंग के साथ में तो पूरा जो इंजन है ना काफी सही मतलब सेट किया गया है तो देखते हैं अभी प्राइस आने तो उसके बाद में देखते हैं कि कैसी है गाड़ी और अभी जो है एक और आपको दिखा दू मैं इसका व्यू फ्रंट से तो कुछ ऐसी अपनी गाड़ी लग रही है जबरदस्त गाड़ी है पर कोई कमी मेरे को तो लग नहीं रही तो हाँ एक कमी मेरे को इसमें लगी गाइस एक कमी जो है वो मेरे को क्या लगी जो है टायर है ना इसके सी के ये क्या है आपको कम्फर्ट इतना अच्छा नहीं देते हैं यदि थोड़ा सा अपग्रेड कर लेती कंपनी आई थिंक ब्रिस्टोन या फिर जो है हैक वगैरह में तो काफी अच्छा यहाँ पे कंफर्ट मिल सकता था क्योंकि ये जो टायर है मैंने अपनी गाड़ी में डलवा के देखे थे चार दिन में उतरवा दिए थे कंफर्ट ही नहीं है गाड़ी को बजा देते हैं बट यहां पे सस्पेंशन में अच्छे मिल जाते हैं जिस वजह से कॉम्प्रोमाइज यहां पे आप कर पाओगे क्योंकि सस्पेंसन जो है अपनी गाड़ी को जो है बिल्कुल स्टेबल रखेंगे और आपको जो है झटके वगैरह ज्यादा फील होंगे नहीं तो यह इस आज की वीडियो में इसका एक वॉकराउंड रिव्यू अभी जो है इस एक चीज मैं आपको बता दूं इसका जो लॉन्च है ना वो काफी जल्दी होने वाला है और जो प्राइस है वो आप गैस करो कि प्राइस वगैरह जो है गाड़ी की क्या हो सकती है मैं जहाँ तक गैस कर पा रहा हूँ इसकी जो प्राइस होनी चाहिए लगभग इलेवन लैक्स से स्टार्ट होनी चाहिए बाकी आप बताओ क्या कुछ प्राइस होनी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स करके सो भाई इसी तो आज की वीडियो में मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम लव यू ऑल गाइस